नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के खास सेशन में आपका स्वागत है। अपने इस खास सेशन में हम बीते सप्ताह की उन सभी जरूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हाल ही में केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 या केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 की संवैधानिकता की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें कि यह अधिनियम राज्य के अंतर्गत देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर परिसर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगाता है। इस संदर्भ में गठित मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस कानून में विरोधाभास है। यह अधिनियम भोजन के लिए जानवरों को मारने की अनुमति देता है, लेकिन देवताओं के लिए जानवरों की हत्या की अनुमति नहीं देता। इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, पशु कल्याण बोर्ड और केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी कि पशु बलि उसकी धार्मिक प्रथा का एक अभिन्न अंग है और ऐसे में केरल सरकार का यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके पहले 16 जून 2020 को केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केरल के इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने कहा कि ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करे कि किसी धर्म विशेष में धार्मिक सिद्धि के लिए बलि देना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता के मुताबिक पशु बलि शक्ति पूजा का एक अभिन्न अंग है और इस प्रथा को पूरा न करने से उसे देवी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि यदि केरल के इस कानून का उद्देश्य जानवरों का संरक्षण और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो इसे सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यह कानून केंद्रीय कानूनों का भी खंडन करता है। जहां एक ओर केंद्र सरकार का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी पशु के वध को अपराध नहीं मानता, वहीं राज्य का यह कानून इस कार्य को अपराध मानता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई 2020 को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1992 को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया था। स्थापना के समय इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, जिसे बाद में बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया। दिल्ली स्थित यह संस्था देश के 102 ICAR संस्थान और राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ विश्व की बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान समेत कृषि के अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। इतना ही नहीं, यह संस्था प्रत्येक वर्ष वैज्ञानिकों, शिक्षकों और पत्रकारों को मान्यता और पुरस्कार भी प्रदान करता है। 11 जुलाई को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए अपने संकल्प को पूरा कर लिया। भारत ने 2018 में बाघ गणना में कैमरा टैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चरण में शावकों सहित बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। हाल ही में ईरान सरकार ने भारत को एक बड़ा झटका दिया। दरअसल ईरान सरकार ने 14 जुलाई को चाबहार परियोजना से भारत को अलग करने की घोषणा की है। घोषणा के तहत ईरान ने कहा कि वह इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना पूरा करेगा। इस परियोजना के लिए वह ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से $40 करोड़ की धनराशि का उपयोग करेगा। चाबहार पोर्ट जाहेदान रेलवे ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। इस रेलवे परियोजना से भारत को अलग करने के कारणों की वजह के रूप में भारत की ओर से फंड में देरी का हवाला दिया गया।
उन्होंने आगे कहा कि ईरानी रेलवे अब उस परियोजना के साथ आगे बढ़ेगा जो मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ विवादों के चलते जल्द ही चीन और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। इसके अनुसार चीन ईरान से बेहद कम कीमतों में तेल खरीदेगा और चीन ईरानी सुरक्षा के लिए घातक आधुनिक हथियार उपलब्ध कराएगा। 15 जुलाई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुई डिजिटल शिखर सम्मेलन से पहले असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया गया। यह बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी। इस दौरान तमाम बाधाएं आई थी क्योंकि यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल में महत्वपूर्ण शुल्क कटौती के अलावा शराब, स्पिरिट, डेयरी उत्पादों पर करों में कटौती और मजबूत बौद्धिक संपदा चाहता है। वहीं दूसरी और भारत डेटा सुरक्षित देश का दर्जा चाहता है। आपको बता दें कि भारत उन देशों में से है जिन्हें यूरोपीय संघ सुरक्षित डेटा वाला देश नहीं मानता। इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश संबंधों को व्यापक बनाने, समुद्री सुरक्षा और व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ CBI और यूरोपोल के बीच प्रभावी सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोडमैप जारी करेंगे। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चीन से भी लंबी 14 किलोमीटर की सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस टनल से अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से और मजबूत हो सकेगी। हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन वाली अंडर वाटर टनल यानी सड़क सुरंग के निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी है। माना जा रहा है कि टनल का निर्माण कार्य साल के अंत में शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि इस खास सुरंग को ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गोहपुर से नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा। 4 लेन वाली इस सुरंग में 2 ट्यूब्स के अंदर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकता है। इस सुरंग से अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक भारतीय सेना अपने वाहनों, रसद और सामरिक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को 1 माह का और समय दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र को उसके फैसले में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के कारण भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने और कमांड पोस्ट में भी तैनाती के संबंध में प्रावधान तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास को लेकर दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा या वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू यानी VNR रिपोर्ट जारी किया। आपको बता दें कि सतत विकास एजेंडा लागू करने में मिली सफलताओं और चुनौतियों समेत इस संबंध में प्राप्त सभी अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से देशों द्वारा स्वयं तैयार की जाती है। रिपोर्ट में जुलाई 2019 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर अनुमान लगाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2005-06 से 2016-17 के बीच तकरीबन 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक या मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स यानी MPI के अनुसार साल 2005-06 में देश में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में शामिल थे, लेकिन 2016-17 के दौरान यह संख्या घटकर 369.55 मिलियन तक पहुंच गई। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार यह भारत में साल 2011 के 21.2% से घटकर साल 2015 में 13.4% हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना से निपटने के तौर तरीकों और पहले के गाइडलाइंस की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया। WHO के महानिदेशक ने इस समिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस महामारी का व्यापक मूल्यांकन जरूरी है, इसलिए इस समिति का गठन किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जानकारों का मानना है कि WHO का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिक्रिया के बाद उठाया गया।
ट्रंप ने WHO पर चीन की कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया था। आपको बताते चलें कि WHO की इस समिति के अध्यक्ष संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति जॉनसन सर्लीफ होंगे। यह समिति नवंबर 2020 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और मई 2021 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को शीर्ष अमेरिकी कृषि अनुसंधान फर्म नीफा के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। नीफा संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी संघ वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों का मुख्य संचालक संस्था है। नीफा के कार्यवाहक निदेशक पद पर नियुक्त करते हुए अमेरिका के कृषि सचिव ने कहा कि डॉक्टर पराग के पास 31 वर्षों का वैज्ञानिक अनुभव है जिसका फायदा अमेरिका को मिलेगा। आपको बताते चलें कि पराग चिटनिस ने महाराष्ट्र के कोंकण कृषि विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में MSc के बाद दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आनुवंशिकी और जैव रसायन में भी MSc किया है। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में PhD हैं। नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना का शुभारंभ किया है, जिसके लिए नाबार्ड द्वारा 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी PACS को बहुसेवा केंद्रों में बदलने के साथ साथ PACS को डिजिटल प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत साल 2023 तक कुल 30,000 PACS को अपग्रेड किया जाना है। दुधवा टाइगर रिजर्व में निरीक्षण के दौरान वन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा एक दुर्लभ आर्किड प्रजाति यूलोफिया ओबडुसा को पुनः पाया गया। इसको ग्राउंड आर्किड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस प्रजाति को पहली बार साल 1902 में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खोजा गया था। लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी यूनिफिल में तैनात एक भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय बटालियन को यह पुरस्कार कचरा कम करने, कचरा का दोबारा इस्तेमाल करने और जैविक खाद पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया। वहीं आयरिश पोलिश बटालियन ने दूसरा पुरस्कार जीता है। आयरिश पोलिश बटालियन को यह पुरस्कार सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन केंद्र यानी IMC की परियोजना के लिए दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कचरे को जैविक खाद में बदलकर स्थानीय लोगों को पहुंचाना है। आपको बताते चलें कि यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत दिसंबर 2019 में की गई थी। गूगल भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश गूगल द्वारा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कंपनी के CEO सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई को गूगल फॉर इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। आपको बताते चलें कि गूगल फॉर इंडिया पहली बार साल 2015 में आयोजित किया गया था। उसके बाद से ही हर वर्ष इस कार्यक्रम के तहत गूगल भारत में अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में लोगों को बताती है। प्रत्येक साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज ने किया था। जेरेमी बर्ज एक इमोजी इतिहासकार हैं। आपको बताते चलें कि इमोजी जापानी भाषा का शब्द है। इमोजी वेब पेज और मैसेज में उपयोग किए जाने वाले छोटे चित्रों को कहा जाता है। कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण तकरीबन सारे रोजगार देने वाली संस्थाएं ठप पड़ गई हैं, जिससे इसमें काम करने वाले मजदूर धीरे धीरे अपने घर को चले गए। इसमें से लाखों स्किल्ड मजदूर हैं जिनके बिना कार्य संभव नहीं है। इसी डिमांड सप्लाई गैप को भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर असीम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का पूरा नाम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग है। इस पोर्टल के माध्यम से कुशल कार्यबल को आजीविका के अवसर तलाशने, बाजार में मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने और कुशल कार्यबल को खोजने तथा नियोजन में मदद मिलेगी। इस पोर्टल से अधिक विकास को बढ़ावा देने वाले कुशल कार्यबल को सीधे संपर्क किया जा सकेगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सीवन को वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय प्रोफेसर उडुप्पी रामचंद्र राव थे। उन्हें यह पुरस्कार साल 2005 में दिया गया।
उनके बाद ही साल 2007 में इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA के द्वारा राष्ट्रीय या जेंडर भेदभाव के बिना हर वर्ष विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1982 में एरोस्पेस इंजीनियर वियोडर वॉन कर्बन के नाम पर किया गया था, जो IAA के पहले अध्यक्ष भी थे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया। इस निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय की गई है। प्रज्ञता का पूरा नाम प्लान रिव्यू अरेंज गाइड याक यानी टॉक असाइन ट्रेस और एप्रिशिएट है। निर्देशों के अनुसार प्री प्राइमरी के बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट का समय निश्चित किया गया, जिससे शिक्षकों द्वारा उनसे बातचीत किया जाएगा और आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हर रोज 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र और 9 से 12 तक के विद्यार्थी 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र में पढ़ाई कर सकेंगे। 16 जुलाई को भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगान और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला। इस भूमिगत मार्ग से औद्योगिक कच्चे माल और पसाखा औद्योगिक इस्टेट के लिए माल ले जाने में मदद मिलेगी। यह व्यापार मार्ग को बढ़ावा देने के साथ साथ वाहनों के आवागमन को भी कम करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने भूटान के येती क्षेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन ने हाल ही में अपना दावा भी किया था। यह सड़क भारत में अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुंचाने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषितों की संख्या में कमी आई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एशिया महाद्वीप की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और चीन में कुपोषण में कमी दर्ज की गई। वहीं एशिया में भूखों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन भूखों की संख्या अफ्रीका में तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में पिछले एक दशक में अल्पपोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ की कमी आई। साथ ही बच्चों में छोटी हाइट की समस्या भी कम हुई है, लेकिन इस दौरान देश के वयस्कों में मोटापा बढ़ा है। भारत में अल्पपोषित लोगों की संख्या साल 2005-06 में 24.94 करोड़ थी, जो कि घटकर 2018-19 में 18.92 करोड़ हो गई। यानी आबादी के हिसाब से अल्पपोषितों की संख्या 21.7% से घटकर 24% पर आ गई है। फिलहाल 8 PM न्यूज बुलेटिन के इस साप्ताहिक करंट अफेयर सेशन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। पूरे न्यूज बुलेटिन का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।